अंता केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कार्य के लिए शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। ठीक है, नाउ वी टेक मोशन ऑफ सेक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस। टाइम अलॉटेड 8 आवर्स। द मोशन दैट बाय श्रीमती सुषमा स्वराज दैट मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 22 फरवरी 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज कृपया बोलिए। उपसभाध्यक्ष जी, भारत के संविधान की धारा 87 की उपधारा 1 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जब भी नई लोकसभा गठित होगी उसके बाद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष संसद के होने वाले प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। उसी धारा की उपधारा 2 में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के अंदर उठाए गए मुद्दों पर संसद सदस्य चर्चा कर सकेंगे। उसी उपधारा के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत मैं आज आपकी अनुमति से महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उस चर्चा का शुरुआत कर रही हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, हालांकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केंद्र सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है, लेकिन इसका महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा पढ़ा जाना पूरे समारोह को एक भव्यता प्रदान करता है, एक गरिमा प्रदान करता है। लेकिन दुख की बात है कि कई बार इस तरह के गरिमामय समारोह में भी कुछ कुछ व्यवधान डालकर उस गरिमा को भंग किए जाने की कोशिश की गई है, और मुझे दुख है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति जी के खड़े होने से पहले ही हमारे कुछ बहुत वरिष्ठ साथियों ने अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। मैं उस घटना को बहुत तूल न देते हुए उसके संदर्भ में केवल इतना कहना चाहूंगी कि यदि हम कुछ अवसरों पर राजनीति करना छोड़ दें तो अच्छा होगा, इससे हमारी अपनी प्रतिष्ठा भी बचेगी और संसद की गरिमा भी। इससे राष्ट्रपति जी का सम्मान भी होगा और एक अच्छी संसदीय परंपरा का निर्वाह भी हम कर सकेंगे। मुझे लगता है मेरे सांसद साथी मेरी सलाह पर जरूर ध्यान देंगे। उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ वो सरकार की सफलताओं का ब्यौरा देता है और दूसरी तरफ वो सरकार के आगामी कार्यक्रमों का खुलासा करता है। लेकिन चूंकि इस बार ये अभिभाषण इस सदी का आखिरी अभिभाषण था, इसलिए राष्ट्रपति जी ने स्वतंत्रता के बाद की तमाम उपलब्धियों पर गर्व करते हुए हमारे सामने खड़ी भावी चुनौतियों का सामना दृढ़ता और आत्मविश्वास से करने की सलाह हमको दी। और ये भी सुखद संयोग था कि गणतंत्र की 50वीं वर्षगांठ इस साल से शुरू हो रही है, इसलिए उन्होंने हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया। मैं विशेष रूप से राष्ट्रपति जी के इन प्रारंभिक वाक्यों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपनी बात राष्ट्रीय एजेंडा से प्रारंभ की। राष्ट्रीय एजेंडा वो दस्तावेज है जिसे हमारी सरकार ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर शासन के नीति और कार्यक्रमों के रूप में स्वीकार किया है। मैंने पिछले दिनों इस सदन में हुई लगभग हर विषय की बहस को बहुत ध्यान से सुना। मुझे याद है इस समय बैठे नहीं है मोहन सिंह, गोवा के राष्ट्रपति शासन पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोगों को तो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को भूलने में 40 वर्ष लगे, लेकिन ये भाजपा वाले तो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को एक ही वर्ष में भूल गए। मुझे अखरी थी ये बात उस दिन, क्योंकि ये बात सत्य से परे है। मैं कहना चाहती हूँ आज आपके माध्यम से इस सदन को कि ये सरकार शुद्ध भाजपा की सरकार नहीं है, ये सरकार सहयोगी दलों के साथ चल रही
भाजपा नेतृत्व की सरकार है और उपसभाध्यक्ष जी, मुझे कतई संकोच नहीं है ये स्वीकार करने में कि हमारी बहुत सी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हमारे सहयोगी दलों के साथियों को मान्य नहीं है और इसीलिए उनके साथ बैठकर एक सर्वस्वीकृत कार्यक्रम के तौर पर हमने राष्ट्रीय एजेंडा स्वीकार किया है और वो जानते हैं कि ये वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का तकाजा है जिसे स्वीकार करके हम चल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, जहाँ तक राष्ट्रीय एजेंडा का ताल्लुक है, शायद ही केंद्र में कोई सरकार आज से पहले रही हो जिसने अपने घोषित कार्यक्रमों के इतने ज़्यादा बिंदुओं पर इतनी जल्दी अमल करके दिखाया हो जितनी जल्दी इस सरकार ने राष्ट्रीय एजेंडा के बिंदुओं पर अमल करके दिखाया। उपसभाध्यक्ष जी, हमारी पहली प्रतिबद्धता थी राष्ट्रीय सुरक्षा और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण उसी बिंदु से प्रारंभ किया। पैरा 4 में उन्होंने कहा, गत वर्ष पोखरण में 11 और 13 मई को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम रहा है जिससे भारत एक परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र बन गया है। सरकार ने यह कदम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात उठाया। उपसभापति जी, 11 मई का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। 11 मई का दिन वो दिन था जिस दिन प्रत्येक भारतीय ने जाति, धर्म, भाषा और प्रदेश से ऊपर उठकर केवल एक भारतवासी के नाते गर्व का अनुभव किया था। 11 मई का दिन वो दिन था जिस दिन राष्ट्रीय स्वाभिमान हुंकार उठा था। 11 मई का दिन वो दिन था जिस दिन हर भारतीय सीना तान कर और मस्तक उठाकर चल रहा था। ये सही है, पोखरण एक दिन में नहीं घट गया। ये भी सही है, पोखरण की तैयारी हमारे आने के बाद शुरू नहीं हुई। ये सच है, अनुसंधान पहले से चले आ रहे थे। और ये भी सच है कि परीक्षण की क्षमता पुरानी सरकारों के दौरान जुटाई जा चुकी थी। लेकिन ये भी उतना ही सच है उपसभापति जी कि क्षमता के बावजूद परीक्षण करने की अनुमति देने का साहस इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जुटा पाया। अनुमति देने का साहस केवल एक प्रधानमंत्री जुटा पाया जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। एक तरफ अनुमति देकर उन्होंने अपने आत्मबल का परिचय दिया और दूसरी तरफ परीक्षण की सफलता के बाद दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करके उन्होंने विश्व के सामने अपने स्टेट्समैनशिप का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। और मुझे खुशी है उन दोनों घोषणाओं का जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। पहली घोषणा थी कि भारत किसी गैर परमाणु शस्त्र वाले राष्ट्र के विरुद्ध अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेगा। उपसभापति जी, ये घोषणा भारतीय संस्कृति के उसी युद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक है जिस नियम के अनुसार कोई शस्त्रधारी योद्धा निहत्थे पर वार नहीं करता, या तो स्वयं शस्त्र उसके हाथ में थमाता है या अपना हथियार फेंक कर लड़ता है। और दूसरी घोषणा की प्रधानमंत्री ने कि परमाणु संपन्न राष्ट्रों के विरुद्ध भी प्रयोग में भारत पहल नहीं करेगा, यानी नो फर्स्ट यूज नो ऑफेंसिव यूज। शायद इससे ज्यादा तर्कसंगत नीति, इससे ज्यादा युक्त संगत नीति परमाणु शस्त्रों के संबंध में नहीं हो सकती। निरस्त्रीकरण की बात तो पहले की सरकारें भी नहीं करती थी, वो अनुसंधान करवाती जाती थी वैज्ञानिकों से, लेकिन जब परीक्षण की बात आती थी तो कहती थी विकल्प खुला रखा हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या औचित्य था इस नीति का कि विकल्प खुला रखा हुआ है? हम दुविधा में थे दोनों तरफ। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी आलोचना तब भी हुआ करती थी, लेकिन अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा का विश्वास हम नहीं दिला पा रहे थे। वो एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वही हालत हमारी हो रही थी। लेकिन आज ये कहकर कि हम प्रयोग में पहल नहीं करेंगे, हम किसी दुविधा में नहीं, ये कहकर कि हम वार पहले नहीं करेंगे, आज हमारी बात में वजन दिखता है। सभापति जी, आज हमारी बात का अर्थ निकलता है। कुरुक्षेत्र की काव्य रचना में राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल। शक्ति जुटाए बिना शांति की बात करना कायरता लगती है, लेकिन शक्ति संपन्न होने के बाद वार में पहल न करना, प्रयोग में पहल न करना, ये शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हमारी निष्ठा को दर्शाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि परमाणु परीक्षण का फैसला
इस सरकार ने अति उत्साह में नहीं लिया था, ये फैसला महत्वाकांक्षी होकर भी नहीं लिया था, ये फैसला उतावली में भी नहीं लिया था, बल्कि परमाणु परीक्षण का फैसला इस सरकार ने पूरे विवेक से लिया था, पूरे धैर्य से लिया था, पूरी दूरदर्शिता से लिया था। उपसभापति जी, क्योंकि राष्ट्रपति जी घटनाओं का सिलसिलेवार उल्लेख कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रारंभ में पोखरण का जिक्र किया और लगभग अंत में प्रधानमंत्री जी की लाहौर यात्रा का उल्लेख किया। लेकिन मैं दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर सदन में रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि यदि 11 मई 1998 नहीं घटता तो 20 फरवरी 1999 भी नहीं घट सकता था। इन दोनों का आपस में सीधा रिश्ता है। भारत में घटा हुआ 11 मई का पोखरण और 28 मई को घटा हुआ पाकिस्तान का चागी, उसी ने 20 फरवरी 1999 को संभव करवाया था। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच चल रही तारीखी मुकाबलों की होड़ मिट गई थी, दोनों मुल्कों के रक्त में खलती हुई प्रतिरोध की भावना शांत हो गई और उसने पैदा किया दोस्ती के जज्बे को, उसने खुली बाहों न्योता दिया मित्रता को, उसने बस में चढ़ा दिया अटल बिहारी वाजपेयी को और उसने गले लगा दिया दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों को। उपसभापति जी, वो क्षण एक ऐतिहासिक क्षण जिसे ना हिंदी का भाव विभोर शब्द अभिव्यक्त कर सकता है, ना अंग्रेजी का नॉस्टैल्जिया, वो एक ऐसा पल था जिसके एहसास को शब्दों में बांधना मुश्किल है। वो क्षण केवल कैमरे में कैद नहीं हुआ था, वो क्षण भारत और पाकिस्तान के अलावा विश्व की करोड़ों आंखों ने जो टकटकी लगाकर उसे देख रही थी उसको कैद कर दिया था। वो एक साधारण घटना नहीं है, उस पल ने पहल की है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने की, उस घटना ने उम्मीद जगाई है वर्षों से लंबित पड़े विवादों के समाधान की। इस तरह भारत पाक मैत्री और परमाणु परीक्षण के दो खूबसूरत हाशियों के बीच, दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच पढ़ा गया राष्ट्रपति का ये अभिभाषण, जिसमें इस सरकार की बाकी सफलताएं और कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्ज है। उपसभापति जी, जब परमाणु परीक्षण हो गया तो उसके बाद कई बौखलाए हुए देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात की। मुझे खुशी है कि परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बिंदु को लिया और बहुत दृढ़ता से उसका सामना करने की बात की। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने ऐसे समय में अपने प्रवासी भारतीय भाइयों को याद किया। वित्त मंत्री ने एक योजना बनाई रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स की, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स, जिसमें भामाशाह बनकर के अनिवासी भारतीय सामने आए, उन्होंने सरकार का हाथ थामा। ये योजना जिसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, तय नहीं था कि कितनी राशि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड से आएगी, लेकिन एक अंदाजा अर्थशास्त्री लगा रहे थे कि यदि $2 बिलियन यानी लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के माध्यम से देश को मिल जाए तो स्थिति में कुछ संभाल आ सकेगा। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि केवल 3 हफ्ते चली हुई योजना, केवल 14 वर्किंग डेज के लिए खुली हुई ये योजना भारत सरकार को कितनी धनराशि दे गई, सफलता के आकलन से 2 गुने से ज्यादा। $2 बिलियन सफलता का लक्ष्य था, लेकिन $4.2 बिलियन 18,000 करोड़ रुपया रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के माध्यम से अनिवासी भारतीयों ने भारत सरकार को सौंप दिया। सभापति जी, मुझे याद आ रहा है पिछले हफ्ते यहीं एक पूरक प्रश्न पूछते हुए देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक सवाल पूछा था कि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स की प्रूडेंस क्या थी, यानी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के पीछे कौन सा विवेक काम कर रहा था, क्या औचित्य था इसका। मुझे खिन्नता का अनुभव हुआ था वो प्रश्न उनसे सुनकर, और हैरत भी हुई थी, क्योंकि देश के वित्त मंत्री के नाते उन्हें ये चीज़ मालूम होगी, वो पहले वित्त व्यवस्था यहाँ की देख चुके थे कि उन आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारत का आर्थिक भुगतान संतुलन की स्थिति गड़बड़ा सकती थी। वो जानते थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें डाउनग्रेड किया हुआ था। अगर आज चिदम्बरम जी यहाँ बैठे होते तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती थी कि संकट के समय अपनों का आह्वान करना क्या अविवेकपूर्ण निर्णय होता है,
क्या इस तरह के निर्णय का भी तर्क हमें समझाना पड़ेगा? क्या उसकी प्रूडेंस हमें बतानी पड़ेगी? क्या उसका औचित्य का खुलासा करना पड़ेगा? मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहती हूँ कि जिस समय सारे ताकतवर मुल्क हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहे थे, जिस समय वो हमारे ऊपर एक अनावश्यक दबाव बना रहे थे, उस समय भी ये देश अपने रीढ़ की हड्डी तान कर खड़ा रहे। केवल यही प्रूडेंस थी रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स को जारी करने की, केवल यही विवेक था उस योजना को शुरू करने का, और यही औचित्य था उसके फैसले का। हमने जब भी स्वदेशी की बात की सभापति जी, तब तब अनिवासी भारतीय को भारत का अंग मान करके की। हमने स्वदेशी का खुलासा करते हुए कहा था कि भारत भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, और उस समय जहां गांव में बसने वाले भारतीय की कल्पना की थी हमने, उसी तरह अनिवासी भारतीय की भी कल्पना की थी। मुझे खुशी है कि हमारी जिस अपेक्षा पर अनिवासी भारतीय खरे उतरे, उस बात को आगे बढ़ाते हुए, इस मिट्टी से उनका संबंध जोड़ते हुए हमने दो और बड़ी योजनाएं चलाई हैं। एक है PIO कार्ड की योजना। PIO का मतलब है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के नागरिक। हमने तय किया है कि भारतीय मूल के नागरिक अब भारत में वीजा मुक्त प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का खुलासा बहुत जल्दी गृह मंत्री करने जा रहे हैं, जहां भारतीय मूल के नागरिकों को वीजा की असुविधा आगे सहनी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह की एक योजना का खुलासा इस बार के बजट में किया गया, जब ये कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाया गया 100% धन को, 100% इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक अप्रूवल मिलेगी। इन योजनाओं का खुलासा मैं इसलिए कर रही हूँ कि इन योजनाओं के चलते आज भारत से हजारों मील दूर रहने वाले उन अनिवासी भारतीयों को भारत की मिट्टी ज़्यादा अपनी, ज़्यादा करीब और ज़्यादा सुगंधित लग रही है। हमें और आपको विदेशों में जाने का मौका मिलता है, वहाँ बसे हुए भारतीय आमतौर पर हमें लगता है कि एक सपना संजोए हुए बैठे हैं कि वहाँ से कमाए हुए धन को किसी तरह देश में लगाकर कुछ कर गुजरने का सपना, अब मुझे लगता है कि वो सपना साकार होने का वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है। उपसभापति जी, हमारी एक और प्रतिबद्धता थी पारदर्शी और ईमानदार शासन देने की, और मुझे खुशी है आज ये कहते हुए कि उस प्रतिबद्धता में पहल करते हुए हमारी सरकार ने लोकपाल विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया, पिछले सत्र में प्रस्तुत किया। वर्षों से चर्चा चल रही थी जिस विधेयक की, तरह तरह की कमेटियों के अंदर जो भटकता डोल रहा था, उसको जॉइंट कमेटी के माध्यम से ला करके उसको हमने प्रस्तुत किया, और केवल प्रस्तुत नहीं किया, एक बहस चल रही थी इस देश में प्रधानमंत्री को उसके घेरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री ने स्वयं सदन में खड़े होकर कहा कि इसकी परिधि में प्रधानमंत्री आने चाहिए, वो किसी कानून से ऊपर नहीं है, और जो लोकपाल विधेयक हमने प्रस्तुत किया उसके अंदर प्रधानमंत्री उसके घेरे में लाए गए। केवल ये नहीं, सूचना का अधिकार एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, सूचना का अधिकार, उसका विधेयक लाने की प्रतिबद्धता केवल हमने सदन के बाहर नहीं कही, सदन के फर्श पर खड़े होकर नहीं कही, बल्कि राष्ट्रपति अभिभाषण के पैरा 44 में राष्ट्रपति जी ने जब उस प्रतिबद्धता को दोहराया है, तो उससे पता चलता है कि हमारी निष्ठा सूचना का अधिकार देने के प्रति कितनी है। केवल यही नहीं, इस बार के बजट में एक बहुत क्रांतिकारी पहल की इस देश के वित्त मंत्री ने, जब 11 स्लैब्स एक्साइज ड्यूटी की 11 स्लैब्स को घटाकर उन्होंने 3 पर ला दिया, जब कस्टम ड्यूटी की 7 स्लैब्स को घटाकर उन्होंने 5 पर ला दिया, शायद आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस बात की सराहना करते हुए ये कहा है कि इस प्रणाली को प्रारंभ करके उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने बजट बनाते समय बड़े व्यावसायिक घरानों की, लॉबिस्ट की भूमिका को केवल इस बार के लिए नहीं बल्कि सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और इसी तरह की एक ईमानदाराना पहल की भारत के पर्यावरण मंत्री ने। आप सबको पत्र मिला होगा, मुझे भी वो पत्र मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत की गई हर योजना को उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया है। आजकल पर्यावरण काफी डेलिकेट मसला बना हुआ है, बहुत सी भौंएं उठती हैं जब कोई योजना पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत की जाती है, लेकिन उन्होंने केवल योजनाओं का ब्यौरा नहीं, उनके नाम नहीं, किस आधार पर उन योजनाओं को मंजूरी मिली है, इसका पूरा विवरण उन्होंने इंटरनेट पर डाल दिया है। उपसभापति जी, अपेक्षा तो मुझे ये थी कि सरकार के इन ईमानदाराना प्रयासों की सराहना करेंगे मेरे विपक्ष के साथी, लेकिन मुझे दुख हुआ जब पिछले हफ्ते हमारी सरकार पर विपक्ष के कुछ साथियों ने भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ने चाहे। जोगी जिया नहीं है, उस दिन बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे थे,
5,000 करोड़ का घोटाला हो गया। 5,000 करोड़ का घोटाला अगर होते तो मैं पूछती कि क्या घोटालों का हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ उनका। वैसे खत्म कैसे होता, अभी तो पिछले हफ्ते इसी सदन में घटा है फर्जी वोट घोटाला, उस घोटालों से बाहर वो कैसे आ। लेकिन उपसभापति जी मुझे जोगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, मुझे दुख तो हुआ कि इस बात को शिवशंकर जी ने उठाया। शरद जी आप बैठे हैं, शिवशंकर जी बैठे होते तो मैं ज़रूर उन्हें मुखातिब करके ये बात कहती, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं हुआ कि शिवशंकर जी इस सदन के बहुत वरिष्ठ सांसद हैं या देश के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। मुझे दुख इस बात का इसलिए हुआ कि शिवशंकर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं झूठे आरोपों की पीड़ा भोगी है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जहर खुद पिया है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह के आरोपों की महंगी कीमत चुकाई है। वो आरोप जो राई बराबर सच नहीं पाए गए उनके कारण उन्हें राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मुझे लगता था कि जो व्यक्ति इस तरह का भुक्त भोगी है वो दूसरों पर आरोप लगाते समय थोड़ा संयम जरूर बरतेगा, लेकिन उन्होंने नहीं बरता। एक लेख के हवाले से आपने हमारी सरकार पर बदनीयती और बेईमानी के आरोप मढ़ दिए। मैं पूछना चाहती हूँ, हम में से कौन कौन इस तरह के आरोपों का शिकार नहीं हुआ? क्या ये सच नहीं है कि ये जानते हुए भी कि आरोपों में सच्चाई नहीं है, कई बार क्षुद्र स्वार्थ के चलते, छोटी राजनीति के चलते इस तरह के आरोप मढ़ दिए जाते? शरद पवार जी, आपके पीछे बैठा करते हैं माधवराव सिंधिया, आपके बराबर में बैठा करते हैं बलराम जाखड़, श्री मोतीलाल वोरा बैठे हैं इधर सदन के इस तरफ, बैठा करते हैं वहां लाल कृष्ण अडवाणी, मेरे इस तरफ बैठते हैं यशवंत सिन्हा और उस तरफ बैठते हैं श्री मदनलाल खुराना, ये मेरे बगल में बैठे हैं श्री कल्पनाथ राय, उस ब्लॉक में बैठते हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन लाकर देगा कल्पनाथ राय के वो दिन वापस जो इन्होंने बेवजह इन्हें जेल में यातनाओं के द्वारा गुजारने पड़े हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कोई मुआवजा तय करेगा उस मानसिक पीड़ा का जो मेरे इन साथियों ने भोगी है? आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? पिछले 10 वर्षों में इस सिलसिले ने बहुत तूल पकड़ी है। बेवजह की प्रोसिक्यूशन का सिलसिला, छोटे राजनीतिक लाभों की प्राप्ति शायद इससे हो सकती है, लेकिन देश को कीमत चुकानी पड़ती है। किसका? कमलनाथ बेटा, अभी तो बहुत से नाम भूल गई। मोहन सिंह जी केवल प्रतीक के तौर पर नाम लिए हैं मैंने, मगर मैंने कहा कि हम में से कौन कौन इसका शिकार नहीं हुआ। मैं शरद जी केवल आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक मिनट वीरेंद्र सिंह, मैं एक बात नेता विपक्ष को यहाँ कहना चाहती हूँ कि पक्ष और विपक्ष की भूमिकाएं तो बदलती रहेंगी, कभी हम इधर तो कभी आप इधर, लेकिन ये देश चलता रहे, ये राष्ट्र चलता रहे। छोटे राजनीतिक लाभ के लिए हम एक दूसरे को ऐसी भभकती भट्टियों में न झोंक दें कि जिसके कारण इन संस्थाओं में देश के लोगों की आस्था जलकर राख हो जाए, जहां पूरा देश अपने प्रतिनिधियों को केवल बेईमान समझे, जहां आपसी अविश्वास पलट जाए। इसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी, देश को चुकानी पड़ेगी, राष्ट्र को चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अपने साथियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर वो थोड़ा मेरी सलाह पर ध्यान दें तो हम इस देश को इस भट्टी में झोंकने से बचा सकते हैं। उपसभापति जी, हमारी सरकार ने इस देश को एक प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का, एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। मुझे मालूम है कि वो सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस देश का बहुत मजबूत नहीं हो जाता। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने पैरा 21 से लेकर पैरा 28 तक केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिन वायदों को पूरा करने के लिए जो कदम इस सरकार ने उठाए हैं उसका जिक्र किया है। बहुत से काम हैं, मैं सबका जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक योजना जो वाकई उल्लेखनीय है वो है हिंदुस्तान में आने वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना। वो योजना जो सिलचर से सौराष्ट्र तक और काश्मीर से कन्याकुमारी तक 6 लेन के सड़क निर्माण की योजना है, एक्सप्रेस हाईवेज की योजना। शायद कुछ लोगों को आज ये योजना महत्वाकांक्षी लग रही हो,
शायद कुछ लोगों को अव्यवहारिक भी लग रही हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जिस समय शेरशाह सूरी ने सड़क आजम के निर्माण की कल्पना की थी, जिसे आज हम जीटी रोड कहते हैं, उस जीटी रोड की कल्पना की थी, तो शायद उनके भी कुछ अमात्यों ने ये सोचा हो, उनके भी कुछ लोगों ने उसको अव्यवहारिक योजना कहा होगा, उसको महत्वाकांक्षी योजना कहा होगा, लेकिन आज उस सड़क पर हम सब गर्व करते हैं। और आप जानते हैं कि इस देश के औद्योगिक विकास के लिए, इस देश के खेती के विकास के लिए रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूँ, ये योजना ना अव्यवहारिक है, ना महत्वाकांक्षी है। इस सरकार की इच्छा शक्ति का तकाजा है कि वो उस योजना को पूरा करके दिखाएगी और हिंदुस्तान को एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का बना करके देगी। क्योंकि इस सरकार ने इच्छा शक्ति के बीसियों फैसले पहले से कर डाले, वो अपने आप में एक उदाहरण है सामने। और उदाहरण के तौर पर मैं कावेरी जल विवाद समाधान का जिक्र करना चाहूंगी। आप तो जानते हैं, वर्षों से इस संसद में रहे हैं, आपने कावेरी विवाद को यहाँ उठते हुए देखा होगा। दशकों से चला आ रहा ये विवाद कोर्ट कचहरियों के बीच भटकता, अदालतों और आयोगों के चक्कर काटता, बीसियों याचिकाओं के बीच फंसा, बढ़ता ही चला जा रहा था, धंसता ही चला जा रहा था। लेकिन राष्ट्रीय हित का नजरिया रखते हुए, बिना स्वार्थ या बिना छोटी राजनीति पर निगाह रखे हुए, सबको स्नेह और सबको सम्मान देने की जो परिवार के मुखिया की भूमिका होती है, वो भूमिका निभाते हुए इस सरकार ने कावेरी जल विवाद का समाधान निकाल दिया, उसका हल निकाल कर रख दिया। अध्यक्ष जी, इसी तरह के दो अहम फैसलों का जिक्र करना चाहूंगी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दो फैसले। मैंने जैसे कहा कि आप तो वर्षों से संसद में हैं, आपने देखा होगा फिल्म जगत से हमारे जुड़े हुए सांसद, चाहे वो बजट में भाग लेते थे, ये मांग हमेशा उठाते थे। 40 सालों से ये मांग निरंतर चली आ रही थी इस सदन में और उस सदन में कि फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए खुशी है, जो काम पूर्व की सरकारें 40 वर्ष में नहीं कर पाई, वही सरकार ने 40 दिन में कर दिखाया और पहला बजट प्रस्तुत करते हुए उसको सहमति की मोहर लगा दी। जहां तक कृषि की मांग है, कृषि की मांग का पूरा बजट इस बार कृषि पर आधारित आया। जहां तक कृषि का सवाल है, सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए राजेश जी आपको, आपको तो मुखातिब करके वित्त मंत्री भी कर रही हूं। लेकिन अभी मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उन दो फैसलों का, अहम फैसलों का जिक्र कर रही हूं, जो 40 साल में ये सरकार नहीं कर सकी थी, वो 40 दिन में इस सरकार ने किया। इसी तरह का दूसरा फैसला था भारतीय कंपनियों को अपलिंकिंग देने का फैसला। मुझे समझ नहीं आता था, एक ऐसी अतार्किक नीति इस देश में चल रही थी, भारत की कंपनियां मॉस्को, थाईलैंड, सिंगापुर के आगे चक्कर काटा करती थी, आरबीआई के सामने हाथ बांधकर खड़ी रहा करते थे, उनके अधिकारी शटलिंग किया करते थे और वो कहते थे कि भारत में अपलिंकिंग की सुविधा मौजूद है, हमें दी क्यों नहीं जाती। लेकिन पता नहीं, ऐसी तर्कसंगत विहीन नीति इस देश में चल रही थी, लेकिन इस सरकार ने आकर एक नीति बनाई और जिस नीति के चलते उन तमाम कंपनियों को जो मॉस्को, थाईलैंड और सिंगापुर से, वो भारतीय कंपनियां जो बाहर से ले रही थी अपलिंकिंग की सुविधा, उनको यहाँ सुविधा दिलाने का काम किया और 3 महीने के अंदर अंदर ये सुविधा उन्हें उपलब्ध करा दी। इसी तरह उपसभापति जी, चाहे अगर किसान की बात, राजेश जी अब जरा इधर तवज्जो दीजिए, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कृषि की योजना है। राजेश जी, मैं आपको मुखातिब हो रही हूँ, आपने किसान की बात की तो मैं कह रही थी कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, फसल बीमा की योजना, ये किसानों से ही संबंधित ऐसी योजनाएं हैं। चीनी उद्योगों के डी लाइसेंसिंग की योजना, और इससे भी ज़्यादा प्रतिवर्ष 20 लाख मकान को निर्माण करने की एक इतनी बड़ी योजना जो ये सरकार लेकर के आई है, ये केवल प्रतीक के तौर पर। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक गृहिणी ने अगर देखना हो कि चावल उबले के नहीं, पूरा पतीला नहीं देखती, केवल एक कण निकाल करके देख लेती है और उसे पता लग जाता है पतीला गला या नहीं। इसलिए मैं केवल उन योजनाओं का जिक्र कर रही हूँ जो प्रतीक के तौर पर आपके सामने ये बात रख देंगे कि ये सरकार किस तरह की इच्छा शक्ति लेकर, सबका जिक्र कर रहे उपसभापति। चुप रहना, आप लोग चुप रहिए, मैं संभाल लूंगी ना अपने आप। उपसभापति जी,
आपने राष्ट्रपति जी के कई वर्षों के अभिभाषण आप सुनते चले आ रहे हैं और पढ़ते चले आ रहे हैं। एक बात अगर आपने ऑब्जर्व की हो इस बार के अभिभाषण, पिछले कई वर्षों से महामहिम राष्ट्रपति जी कश्मीर की स्थिति पर केवल चिंता व्यक्त कर रहे थे। पहली बार राष्ट्रपति ने कश्मीर की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया है और शब्द कहा है, मैं संतुष्ट हूँ कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है। और ये स्थिति केवल कहने के लिए नहीं सुधर रही, धरती पर सुधरी हुई दिखाई देती है। उपसभापति जी, पर्यटन सबसे बड़ी कसौटी होता है किसी भी जगह की शांति और व्यवस्था को जांचने का। दसियों वर्षों से जो पर्यटन डूबा पड़ा था, दसियों वर्षों से कभी पर्यटक कश्मीर की तरफ मुंह नहीं करते थे, करें भी कैसे, जान हथेली पर रखकर कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा सकता। आज उस कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगांव फिर से खिल गए हैं। आज उस कश्मीर के डल लेक के शिकारे फिर से आबाद हो गए हैं। आज उस कश्मीर में होटल्स की एडवांस बुकिंग चल रही है। मैं आज से कुछ महीने पहले रेडियो कश्मीर के 50वीं वर्षगांठ के सिलसिले में श्रीनगर गई थी। मैंने अपनी आंख से वहां स्कूली बच्चों को सैकड़ों की संख्या में जब पार्कों में घूमते देखा तो खुशी से मेरी आंखें नम हो गई थी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, ये केवल शांति का एक पड़ाव है, हमारे लिए मंजिल नहीं है। हमारी कश्मीर की शांति की मंजिल वो होगी जिस दिन वहाँ से निकला हुआ विस्थापित कश्मीरी वापस अपने घरों को लौट सकेगा। और वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम। वहाँ से निकला हुआ कश्मीरी 20 जनवरी को एक दिन मनाता है, उस दिन का नाम उसने दिया है होलोकास्ट डे। वो दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन उन्हें देश निकाला मिला था। दिल्ली में भी वो उस समारोह का आयोजन करते हैं। अभी इस 20 जनवरी को मैं गई थी उनके उस समारोह में, वहाँ मैंने इस सरकार की प्रतिबद्धता सामने रखी थी और कहा था कि आप आज होलोकास्ट डे मना रहे हैं, 9 साल पहले आपको देश निकाला मिला था 20 जनवरी 1990 को, लेकिन इस सरकार की मंजिल है कि होलोकास्ट डे नहीं, आप रीयूनियन डे मनाएं और वापस कश्मीर में अपनी उस संपत्ति पर काबिज हों और शांति स्थापित हो सके, वो हमारी मंजिल है। लेकिन ये सुखद पड़ाव हमें उस मंजिल तक जरूर ले जाएंगे, ये आशा इस अभिभाषण से बनती है। इसी तरह पूर्वोत्तर की बात है, पूर्वोत्तर के अंदर जहाँ तक शांति स्थापना का सवाल है, मुझे खुशी है कि यहाँ खड़े होकर के देश के गृह मंत्री ने जब NSCN की टॉक्स के संबंध में बात रखी तो वक्तव्य देते हुए कहा था कि एक वर्ष का युद्ध विराम हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। आज से पहले युद्ध विराम हुए, कभी 2 महीने के कभी 3 महीने के, 3 महीने के युद्ध विराम में आप स्थायी शांति की तरफ नहीं बढ़ सकते। लेकिन पहली बार इस सरकार में भरोसा व्यक्त किया वहां के बागी संगठनों ने जब एक वर्ष का युद्ध विराम किया है। और मैं इस संसद में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि इस इतने बड़े युद्ध विराम के समय का उपयोग करके सरकार पूर्वोत्तर में शांति रूप से शांति स्थापित, स्थायी रूप से शांति स्थापित करने की तरफ बढ़ेगी और इस प्रतिबद्धता को हम पूरा करके दिखाएंगे। केवल ये नहीं, पूर्वोत्तर के जहाँ तक विकास का संबंध है, मुझे खुशी है, हमेशा वहाँ के लोग उद्योग की मांग करते थे, लेकिन इस बार के बजट में 10 साल का टैक्स हॉलीडे पूर्वोत्तर के लिए दिया गया है। 10 साल के टैक्स हॉलीडे का मतलब है कि एक औद्योगिक विकास पूर्वोत्तर में होगा। और इसके साथ कितनी बड़ी घटना घटी है उपसभापति जी, इस बार मणिपुर में इस सरकार ने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, लाइव टेलीकास्ट हुआ, पहली बार भावात्मक ढंग से जुड़ा पूर्वोत्तर का वो व्यक्ति भारत के आम हिस्से के साथ और भारत के आम आदमी की एक भावात्मक एकता पूर्वोत्तर के साथ स्थापित हुई। सच तो ये है उपसभापति जी कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई वर्ग, देश और विदेश के लोग इस सरकार के अंदर अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं। लाखों पर्यटकों ने जाकर, जैसा मैंने कहा, कश्मीर में होने वाली शांति के ऊपर अपने विश्वास की मोहर लगाई। मैं भरोसे की बात कर रही हूँ, मैं विश्वास की बात कर रही हूँ। मैं कह रही थी कि लाखों पर्यटकों ने कश्मीर में पहुंचकर वहां पैदा हुई शांति पर अपने विश्वास की मोहर लगाई। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा देकर अनिवासी भारतीयों ने इस सरकार के साथ सहयोग की मोहर लगाई। मियां नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी का भव्य स्वागत करके भारत पाक मैत्री के ऊपर मित्रता की मोहर लगाई है। लेकिन मुझे मालूम है कि इस सरकार का चलना हमारे विपक्ष के साथियों को सूट नहीं करता, इसका बने रहना भी सूट नहीं करता। इसलिए ये इस अभिभाषण पर
सहमति की मोहर नहीं लगाएंगे, मुझे अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहती हूँ। शरद जी, जब आप नेता विपक्ष के नाते इस अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हों, इस सरकार का मूल्यांकन करते समय कम से कम एक बात का ध्यान जरूर रखें कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। जिस समय हमने सत्ता संभाली थी, हमें विरासत में मिली थी एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, हमें विरासत में मिली थी एक सुस्त और बोझिल प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन और इसके ऊपर मिला था पूर्ण बहुमत का अभाव। इस पर मिला था पूर्ण बहुमत का अभाव। एक अल्पमती सरकार की कुछ सीमाएं होती हैं उपसभापति जी, एक गठबंधन की सरकार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उन सीमाओं और दबाव के चलते हुए इस सरकार ने जो काम किए हैं, कुछ मोर्चों पर तो ये दिशा सूचक सरकार के तौर पर याद की जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है भीष्म पितामह का वो वाक्य मुझे याद है, जिस समय शरशैया पर लेटे हुए थे धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे राज्य संचालन की शिक्षा लेने गए थे, तो भीष्म पितामह ने कहा था, धर्मराज अतीत को कोस कर तुम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते, अगर अतीत अच्छा होता तो तुम्हें शासन सौंपा ही क्यों जाता। इसीलिए हम इस विरासत की ओट में या इन सीमाओं के चलते किसी तरह की जिम्मेदारी से बरी नहीं होना चाहते। हम झकझोर रहे हैं इस व्यवस्था के तंत्र को, हम यथास्थितिवाद से उबारना चाहते हैं इस देश को, हम झकझोर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं और उस दिशा में एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत बार मुझे लेकर के कुछ बात कह दी जाती है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये सरकार मेरी सरकार है, ये सरकार मेरी पार्टी की सरकार है, ये सरकार वर्षों के संघर्ष और परिश्रम के बाद बनी है। इस सरकार को बनाने में लाखों लोगों की तपस्या और साधना लगी है। ये सरकार चले, अच्छी चले, यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यशस्वी हो, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, यही कामना करते हुए और प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए मैं ये धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूँ।